पास बिहार सरकार से जो मिसाइल की मांग करें, मिसाइल हटाने के लिए हम लोग अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती में जो नए बदलाव किए गए हैं उससे नाराज चल रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी बीच में आज शिक्षक अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। तो चलिए एक नजर पूरी खबर पर डालते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन जारी है। आज डाक बंगला चौक चौराहे पर भी काफी संख्या में अभ्यर्थी जुटे, जिन्हें बलपूर्वक पुलिस ने हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पहले अभ्यर्थियों ने उन पर पत्थरबाजी की, उनके द्वारा बड़े बड़े पत्थर फेंके गए पुलिस के ऊपर, जिसके बाद पुलिस ने भी आनन फानन में आकर उन पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। डोमिसाइल नीति को सरकार द्वारा लागू करवाने की मांग को लेकर ये कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद कई आंदोलनकारी घायल हो गए हैं और अभी भी आंदोलनकारी इधर उधर छुपकर बैठे हुए हैं। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस उन्हें बार बार भगाने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। बिहार में शिक्षक भर्ती के नए नियम पर बवाल छिड़ा हुआ है। दरअसल बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल को खत्म करने से प्रदेश के शिक्षकों में काफी आक्रोश है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। अपनी इस मांग को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक आज पटना के गांधी मैदान में गोलबंद हुए हैं। बड़ी संख्या में गांधी मैदान पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी यहां से राजभवन मार्च की तैयारी में है। अभ्यर्थियों इस संबंध में पहले ही राज्य सरकार को चेतावनी दी थी। हालांकि इस दौरान गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा तक काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही हंगामे की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर दंगा नियंत्रण वैन भी लगाई गई है। पुलिस शिक्षक अभ्यर्थियों को जेपी गोलंबर पर रोकने का प्रयास कर रही है। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर भी दूसरे छोर से अभ्यर्थी पहुंचेंगे, ऐसे में पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच गांधी मैदान में हाथापाई भी शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। प्रशासन ने गांधी मैदान के सभी गेटों को बंद कर दिया है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है और लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने शिक्षक बहाली को लेकर आंदोलन करने पर कार्रवाई की बात की है। प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्टर ने सभी RDD और DEO को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। कार्यालय के समक्ष आंदोलन करने वालों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बता दें कि बिहार के शिक्षकों ने 11 जुलाई को विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दे रखी है। मिसाइल के मांग के लिए हम लोग अंदर जेल जा रहे हैं। बस बिहार सरकार से जो मिसाइल की मांग के लिए PPSC का एग्जाम देने के लिए तैयार है, एग्जाम दे के जो भी टीचर बनेंगे, लेकिन जो मिसाइल हटाने के लिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। बस तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इससे लागू होगा तो काफी फायदा होगा लोगों को। बिहार में कभी भी आप गणित विज्ञान और अंग्रेजी के टीचर लीजिएगा। तो आपने देखा कि किस तरह सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है और साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितना गंभीरता से लेती है, या फिर सरकार ने जो शिक्षक भर्ती में नए बदलाव किए हैं उस पर डटी रहती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख पा रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करें। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।